बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूंगा उस बदनसीब पीआई की फ़्लाइट की, PK8303, जो 22 मई को लाहौर से 1 बजे रवाना हुई कराची के लिए और 2:35 पे उसका क्रैश हो गया, जिसमें 93 लोग हलाक हो गए, इसमें 8 लोग क्रू के भी थे। एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ और जिसने पूरी कौम को सोगवार कर दिया। इससे पहले कि मैं थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालूं, ये जो मैं आपको इसके बारे में इतलात फराहम करूंगा, ये एक लिहाज से देखा जाए तो एक कोई फीडबैक है और हतमी बात नहीं है, क्योंकि इसका जो इसके ऊपर बोर्ड बैठा हुआ है, एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो है, जब वो अपनी फाइंडिंग देगा तो फिर सही सूरत हाल सामने आएगी। थोड़ा सा इस जहाज़ के बारे में, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे इसके हवाले से काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। आपने देखा होगा जिस तरह से सोशल मीडिया में कोरोना वायरस के हवाले से एक्सपर्ट ओपिनियंस आती रहीं और आ रही हैं। इस हादसे के हवाले से भी बेशुमार एक्सपर्ट्स जो हैं टीवी चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर अपने जोहर बिखेर रहे हैं। ये 15 साल पुराना जहाज़ है और इसने अपनी पहली उड़ान जो है वो 17 अगस्त 2004 को की थी और 31 अक्टूबर 2014 को इसको PIA ने लीज़ पे लिया। इसके जो दोनों इंजन हैं वो फरवरी और मई 2019 में तब्दील किए गए और ये जहाज़ जो आइडल था 22 मार्च से लेके 7 मई तक, क्योंकि आपको पता है फ़्लाइट्स बंद हो गई थी, कोई मूवमेंट नहीं थी, तो ये भी आइडल सिचुएशन में था। और अब हम आते हैं जहाज़ की जो रूटीन मेंटेनेंस है वो भी 22 मार्च को हुई थी। अब आपने देखना है कि ये जो जहाज़ है इसके साथ क्या हादसा पेश आया, कैसे आया, क्यों आया। हम एक्सपर्ट तो नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो एविएशन के हवाले से थोड़ा तजर्बा है उसके हवाले से बात करूँगा। ये जहाज़ जब 5 नॉटिकल माइल दूर था तो इसकी जो बुलंदी थी वो 4000 पर थी, जबकि जो रिकमेंडेड हाइट है वो 1680 फीट होनी चाहिए थी। आपने इसकी जो बातचीत सुनी होगी, इसमें कंट्रोल टावर के हवाले से और सब, वो उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उसको कहा कि आप हाइट अपनी कम करें, 7000 से 3000 पे आएँ, तो उसने कहा आई एम कंफर्टेबल, कोई मतलब मसला नहीं है, मैं आराम से लैंड कर जाऊँगा। ये हकीकत है कि उसके गियर खुले नहीं थे और पायलट ने बेली लैंडिंग की कोशिश की और जब उसने रनवे पे अपना जहाज़ उतारा तो वो तकरीबन 4500 फिट रनवे को कवर कर चुका था। और आपने जैसे वीडियो में देखा होगा वो रनवे को रगड़ लगी है दोनों इंजनों की तरफ से। अब ऐसे मौके पे
आम तौर पर तो यही होता है कि जब आप कोशिश करते हैं लैंड करने की, और लैंड चाहे किसी भी हालत में आप कर रहे हैं, गियर खुले हैं नहीं खुले हैं, आप दोबारा टेक ऑफ नहीं करते हैं। भाई ये एक नुक्ता है जो समझने वाला है, कि बजाय इसके कि वो कोशिश करता कि अभी रनवे का आधा हिस्सा बाकी था उसको रोकता या कच्चे में ले जाता तो इस किस्म का नुकसान नहीं होता, बचा कीमती जाने बचाई जा सकती। तो उसने उड़ान भरी दोबारा, और यहीं से आपकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली फॉल्ट किसका है क्या है। और जब ये वैली लैंडिंग कर रहा था इसकी, इसने ट्रैफिक कंट्रोलर को भी इजाज़त नहीं बताया कि मेरे जो लैंडिंग गियर है वो नहीं खोल रहे। अब आपने देखा होगा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर 2-3 दफ़ा पायलट को वार्न किया अबाउट हाइट, बट ही डिड नॉट लिसन टू हिज एडवाइस, एंड वो यही कहता रहा कि मैं मतलब मैं कंट्रोल में हूँ, मैं ठीक हूँ सारा। नॉर्मली ऐसे होता नहीं है, जो जहाज़ जब लैंडिंग पोजीशन में आ जाते हैं तो उस वक़्त एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है वो उसको कंट्रोल में ले लेता है, और कंट्रोल टावर जो है वो भी साथ मौजूद होता है। जो कंट्रोल टावर है उसके रोल इतना ही है टू फैसिलिटेट द पायलट इन लैंडिंग। तो अब मामला तो बड़ा क्लियर है कि पायलट ने कोई एडवाइस को हीड नहीं किया, और जब उसने दोबारा उड़ान भरी तो उसने कहा कि जो इंजन थे वो ज़मीन से टच हो गए थे रनवे से, उससे जो उनके फ्यूल टैंक हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं, और भी कोई टेक्निकल फॉल्ट पड़ सकता है, तो वो इंजन जो है पैक हो गए। और जब वो गो राउंड चक्कर लगा के दोबारा उतरने की कोशिश करने लगा तो 1500-1600 मीटर दूर रनवे से वो आबादी के ऊपर गिरकर तबाह हो गया, जिससे आबादी के भी 5-6 घर जो हैं वो गिर गए, तबाह हो गए, और उसके अंदर जो मकीन थे वो भी हलाक हो गए। अब ये अगर आप इसको टोटल को देखें तो ये मामला अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एयरबस की टीम भी आई हुई हैं, उन्होंने भी शवाहद इकट्ठे किए हैं, और सबसे बड़ी बात जो है वो ब्लैक बॉक्स जो है वो मिल गया है। आपने देखा होगा कि समंदर के अंदर भी जहाज़ जब गिरते हैं तो वो हमसे भी वो ब्लैक बॉक्स को बरामद करते हैं। तो ब्लैक बॉक्स के जो दो हिस्से होते हैं, एक है FDR फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, और दूसरा CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये दोनों चीज़ें एक ब्लैक बॉक्स में बंद होती हैं। जो FDR है वो फ्लाइट डाटा तकरीबन 600-700 पैरामीटर्स हैं उसका रिकॉर्ड, हाइट कितनी है, इस वक्त कहाँ पर है, स्पीड कितनी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं मुख्तलिफ किस्म के पैरामीटर्स हैं वो रिकॉर्ड होते रहते हैं। और इसी तरीके से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो है उसके अंदर जो भी कॉकपिट के अंदर बातचीत होती है पायलट को, पायलट अनाउंसमेंट सारा, और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से जो बातचीत हो रही है वो तमाम रिकॉर्ड होती है। और इसकी ब्यूटी ये है कि इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता, और ये कंपनी ही खोलती है। पेरिस जाता है, वहाँ पे 3 महीने मिनिमम पीरियड होता है, ज़्यादा भी लग सकते हैं। वो दैट इज़ दी पिक्चर विच एमर्जेस, जो एग्जैक्ट पिक्चर है वो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। उसमें जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनको बड़ी मदद मिलती है, बल्कि सबसे ज़्यादा मदद उनको ब्लैक बॉक्स ही मिलती है जो उसका डाटा होता है। पाकिस्तान के जो
एक्सीडेंट एयर इन्वेस्टिगेशन बोर्ड है, ये एक इंडिपेंडेंट बोर्ड है और इसको कोई भी आदमी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ये जो अखबार में या जो लोग स्पेकुलेशन करते हैं या रिजर्वेशंस शो करते हैं कि जी शायद कोई मैनिपुलेट हो जाए, ऐसी बात नहीं है। ये इंडिपेंडेंट अदारा है, इट्स कंपोज्ड ऑफ एक्सपर्ट्स। अब इसमें एक चीज़ डिटरमिन करनी है कि व्हाई डिड द पायलट टुक ऑफ अगेन हैविंग टच द रनवे। अब और फिर इसमें ये देखना है कि हु ऑल वर इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग द पायलट टू अराइव एट दिस डिसीजन, आर इट वॉज इज ओन इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव। अब ये जो चीज़ है ना, ये डिटरमिन करेगी तमाम बातों को। और होपफुली ये जो टीम है, बोर्ड है, दे विल बी एबल टू फाइंड आउट द ट्रुथ। और सबसे बड़ी जो अच्छी बात है वो ये है कि आज तक जितने भी हादसे हुए हैं, आपने देखा होगा किसी की भी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश नहीं हुई। और ये इस हुकूमत को क्रेडिट जाता है, ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर को, कि उन्होंने कहा है कि कोई भी कमीशन बैठेगा, कोई भी कमेटी बैठेगी, उसकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक को बताया जाएगा। और हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने ये भी कहा है कि आज तक जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं उनकी जो रिपोर्ट्स दबा के पड़ी हुई हैं, जो कि नहीं प्रेस को दी गई, तो उनको भी पब्लिश किया जाएगा। ये एक बड़ी अच्छी बात है। और जो हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं ग़ुलाम सरवर साहब, उन्होंने आज ही बयान दिया है कि होपफुली 22 जून को ये जो है इसका पार्लियामेंट में इंटरिम रिपोर्ट जो है हादसे की पेश की जाएगी। इस हवाले से जो लोग जिनकी जाने गई हैं, हुकूमत ने 10 लाख का कंपनसेशन अनाउंस किया। 10 लाख इज़ ए वेरी स्मॉल अमाउंट, पीनट्स है। लाइफ की तो कोई कंपनसेशन दे ही नहीं सकता, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इस लिहाज से उनको इतना कंपनसेशन दें कि उनके जो ज़ख्म हैं वो थोड़े मंदमल हो सकें। जैसे मैंने कहा कि नोबडी कैन कंपनसेट लाइफ, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ आर इमटीरियल। तो इसी तरीके से जिन लोगों के मकान तबाह बर्बाद हुए हैं, देयर हाउसेज शुड बी बिल्ट बैस आवाज़ और सामान के, और उनको वैसे भी एडवोकेट और कंपनसेशन दिया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। और ये इस हादसों की रिपोर्ट इसलिए भी ज़रूरी होती है ताकि नेक्स्ट टाइम इन चीज़ों को दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। जो गलतियाँ इसने पायलट ने किए हैं या टेक्निकल एरर हैं, तो वो इसको देख सकते हैं। और पायलट की तरफ से ज़ाहिर है, जब उसने मेडे 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 कह दिया तो कहानी ख़त्म हो गई कि उसने अब कह दिया कि अब मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, बस ऊपर अल्लाह मियां है और नीचे फिर देखें क्या होता है। तो ये एक बहुत बड़ा हादसा है। और ये मतलब ये है कि पूरी कौम दुख में है। और आम हालात में इसमें जो सबसे बात हुई है वो ये भी हुई है कि फैमिलीज भी कुछ जो है वो तबाह बर्बाद हो गई। कुछ लोग छुट्टियों पे आए हुए थे और पूरी पूरी फैमिली, मतलब ये है कि एक ऐसी सिचुएशन है कि मतलब इसको मतलब अल्फाजों में हम बयान नहीं कर सकते। जिस पे बिजली गिरती है उसी को पता होता है कि हम आइए हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें ये जो आफात हैं इस तरह की, इनसे महफूज रखे। और हमारे जो इदारे हैं, PIA है, सिविल एविएशन अथॉरिटी है, वो अपने सिस्टम इतने मजबूत करें कि आइंदा से इन हादसा से बचा जा सके, जिससे कि
जो कीमती जानें ज़ाया होती हैं वो ज़ाया होने से बच जाएं, और हम लोहाकिन के हक़ में जो है जो दुनिया में नहीं रहे उनकी मफ़रत की दुआ करते हैं, और अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता फरमाए, और जो दो खुश नसीब इसमें बच गए, एक जो बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट हैं और एक आम शहरी हैं, तो उनको भी हम किस सेहत की याबी की जल्द दुआ देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।